यज्ञ के लिए ब्राह्मण आदि वर्णों तथा अन्य की सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभू और मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप से वर्णन किया, अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? महामुनि प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन है, अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्म में यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकती हैं तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी उसी में वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचरण का पालन करने लगी। वह इच्छा अनुसार जहां चाहती रहती थी, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था, वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के परब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं, धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, सातवीं कंगनी और आठवीं कुलथी। ये ग्रामीण अन्न हैं तथा सवा, तिन्निका, चावल, जरतिल यानी वनतिल, गवेधु, वेनुवय और मक्का, ये 6 जंगली अन्न हैं। ये 14 अन्न यज्ञानुष्ठान की सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण हैं, इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका के साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोगों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, घोर असी पत्रवन,
कालशूत्र और अविचिमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेदन तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं भृगु, पुलह, क्रतु, अंगीरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराणों में ये नौ ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सब को स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौवें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के दो भाग करो, वहां से अंतर्धान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभू को प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शत्रुपा ने स्वयंभू मनु से दो पुत्र और दो कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उतानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकूति के नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकूति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थी, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। नृपश्रेष्ठ इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगीरा और मैने यानी पुलस्त्य तथा पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, घृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये ही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्षसुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींच कर शरीर त्याग दिया था। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उससे अनिर्त नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाली मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई।
फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री हैं न पुत्र, ये सब के सब नैस्टिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। आप पद्म पुराण सुन रहे थे। आगे भी पद्म पुराण जारी रहेगा। अभी तक मैंने जितने ऑडियो बनाए हैं पद्म पुराण पे, उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ लिंक दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप उसके माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।